मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने कल जिस ढंग से बात कही वह प्रदेश की गरिमा को गिराने वाली है। राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सीएम यादव ने कहा कि राहुल गांधी संविधान संशोधन की बात करते हैं, जबकि उनके परिवार के द्वारा ही 100 बार से ज्यादा संविधान का संशोधन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राहुल गांधी की तुलना रॉकेट से करते हुए कहा कि वह ऐसा रॉकेट है जिसे बार बार लॉन्च करते हैं और वह बार बार नीचे गिरता है। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी इससे सबक लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में जो है वो यश, वो लगातार कांग्रेस को अपयश दिलाने वाला यश उनके हाथ में है। वो ऐसा रॉकेट है जो बार बार लॉन्च करते हैं और बार बार वो नीचे गिरता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सबक लेंगे। उसी प्रकार से प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष भी ओबीसी वर्ग का अपमान कर रहे हैं। पहली बार जो शब्द उनने बोला है कि सीएम को लेकर के, ये एक तरह से बड़े वर्ग का अपमान किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो यौन अपराध, बाल अपराध के लेकर के जो कानून बनवाया, इस आधार पर इन बच्चियों का जीवन बचाने के लिए जिनके साथ गलत बात हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर 2012 में बना हुआ नियम है, और उस नियम को तोड़ करके वो अपने अहंकार की पराकाष्ठा कर रहे हैं। उनको भी माफी मांगना चाहिए जिस ढंग से उनने व्यवहार किया है। और उन्होंने कहा मैं एक बार नहीं 10 बार जाऊंगा, तो उनको 10 बार जाइए, लेकिन कानून अपना काम करेगा और उसकी कीमत उनको चुकाना पड़ेगी। जिस बच्ची के साथ बीतेगी उनकी पहचान छिपाने की सामाजिक आवश्यकता है। ऐसी कभी किसी के साथ भी घटना हो जाए, सरकार कठोर कार्रवाई करती और लगातार करती रहेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।